हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ट्यूसडे इवनिंग का रूटीन। तो ट्यूसडे इवनिंग, वीकडेज इवनिंग जो है, अभी समर में थोड़ा चेंज हो गया है रूटीन, तो वही शेयर कर रही थी। तो अभी 4:03 हुए हैं, मैं सिया अभी जगे हैं। हम लोग दोपहर को खाना खा के थोड़ी देर सो गए थे और अभी मैं जग कर आई हूँ। तो फिर अभी थोड़ी देर में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले अभी सोचा कि एक बारी बालकनी को क्लीन कर दूँ, तो चेयर्स थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ और नीचे जो उसका फ्लोर है उसको भी, क्योंकि हमने अभी बर्ड फीड लटकाया हुआ है जिसमें बर्ड्स आती हैं खाना खाने के लिए, तो उसमें ग्रेन्स व्रेन्स डाले हैं, तो बर्ड्स खाते खाते गिराती भी हैं। तो अभी मुझे बालकनी फ्रिक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है क्योंकि फिर पैरों के नीचे वो अनाज के दाने आए तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ फ्रिक्वेंटली, 4-5 में एक बार मैं इकट्ठे करके उसको कर देती हूँ। और मुझसे ज़्यादा तो क्लीन करने का मोड मेरी बेटी में आया हुआ है। देखिए, मुझसे पहले वो सब चीज़ों को ले लेके, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और मैं चली गई हूँ तो मैं बस अभी आने वाली हूँ, तो मुझसे पहले जल्दी से उसने ये ले लिया है क्लीन करने के लिए, और बहुत शैतान है सीरियसली। तो बस अभी क्लीनिंग मेरी डन हो गई है यहाँ की बालकनी की, तो मैंने चेयर्स उसमें सेट कर दी हैं और अब डोर में हाफ क्लोज करके मैं अंदर जा रही हूँ किचन में। मीनवाइल ये इस तरह का पूरा क्लीन हो गया है और आजकल वेदर अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ बैठ भी जाते हैं हम लोग कई बार। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ। दोपहर के कुछ यूटेंसिल्स हैं जो मैं वापस उनकी प्लेसेस पे रख रही हूँ, और पेपर टॉवल ख़त्म हो गया है तो पेपर टॉवल लगा देती हूँ। और इसके अलावा कुछ करी लीव्स थी, उनको उनके स्टिक स्टैम्प्स में से निकाल के उसको पेपर टॉवल में रख रही हूँ, ऐसे ज़्यादा दिन चलेंगी। और कल, और हाँ एक चीज़ और, मैं कई दिनों से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के एक रिलेटिव हैं, वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो वो मिलने के लिए आए हुए थे 2-3 दिन। तो कल उनके लिए पूड़ियाँ बनी थी, तो वही उसका तेल था मैं डब्बे में डाल के रख रही थी। और फिर अभी वो कल ही गए हैं, सॉरी वो ट्यूसडे को मॉर्निंग में ही गए हैं, तो मैंने सोचा आज व्लॉग शेयर करती हूँ। तो अभी चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, और मैं आप लोगों को मदर्स डे भी विश नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। हैप्पी मदर्स डे, आई एम सॉरी कि मैं लेट विश कर रही हूँ, बट हाँ मदर्स के लिए डे भी है तो मदर्स डे। और अभी बस आटा का डो तैयार कर देती हूँ, चाय बनने के लिए रख दी है। तो एक्चुअली अभी थोड़ा समर में रूटीन चेंज ये है कि शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, उसके बाद वो चाय और स्नैक्स वगैरह करके फिर वो गेम खेलने के लिए जाते हैं। समर में वो वॉलीबॉल खेलते हैं, पूरे समर उनका वॉलीबॉल गेम रहता है पार्क में, तो हम लोग भी उनके साथ चले जाते हैं। तो मैं अपने खाने की, डिनर की तैयारी करके जाती हूँ, और अभी चाय बनने के लिए रख दी है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं मखाने कई बारी रोस्ट करके रखती हूँ, तो वही बना रही हूँ। 1 चम्मच घी लिया है, उसको जब वो गर्म हो गया तो अब मखाने उसमें मीडियम टू लिटिल हाई करके, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम टू हाई के बीच में करके मैं रोस्ट कर रही हूँ। मैंने 7 किया है अपना जो इलेक्ट्रिक स्टोव है, और इसको रोस्ट करने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मैंने गैस बंद कर दी है, थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहेगा। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी। ये ब्लैक पेपर मैंने घर पे ही पीसी थी, तो घर पे पिसा हुआ मसाला है ब्लैक पेपर का, काली मिर्च का। और इसके अलावा व्रत वाला नमक डालूंगी, नॉर्मल फ्री फ्लोइंग सॉल्ट इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो झड़ के नीचे बेस में चला जाता है, और ये जो व्रत वाला सॉल्ट है ये स्टिक होता है मखानों के ऊपर, तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने फ्री फ्लोइंग भी एक बार डाल के देखा था, बट वो बेस में जमा हो जाता है, बिल्कुल भी सॉल्टी फ्लेवर नहीं आता। तो ये व्रत वाला सॉल्ट और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और चाय के साथ या फिर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत यम लगते हैं ये, और फुल ऑफ फाइबर्स तो होते ही हैं। तो अभी मेरी ये सब्ज़ी कट के तैयार हो गई है, मैंने लौकी कट कर ली है और प्याज और टमाटर। तो मैंने कुछ भी प्रिपरेशन पहले से नहीं करी थी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, रिलेटिव्स वगैरह थे मेरी मदर इन लॉ के, वो जो रिलेटिव आए हुए थे तो थोड़ा बिजी थी मैं, बट अभी वो गए हैं तो अभी थोड़ा फ्री शेड्यूल हुआ है। तो अभी मैंने चाय बना दी है, हम मेरे और मेरे हस्बैंड का कप है, और वो ब्लू वाला कप मदर इन लॉ का है, उसमें कोई और भी चाय पी नहीं सकता, उनका अलग से धुल के अलग रख जाता है वो, तो इसलिए मैंने थोड़ा अलग सा कप लिया है उनके लिए ताकि पहचान में आ जाए उनको। और
चाय हमारी रेडी है और बस चाय लेंगे और थोड़े से स्नैक्स। सिया भी ये मखाने बहुत अच्छे से खाती है, तो ये फूल मखाना उसको भी पसंद है। और जो थोड़े से बचे हैं वो मैंने डब्बे में डाल के रख दिए हैं, तो ऐसे ये क्रिस्पी रहेंगे, सोगी नहीं होंगे। तो अब चाय पी ली हम लोगों ने और उसके बाद अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ अपनी ये सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, बहुत ही प्लेन सिंपली बना रही हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी ताकि सिया भी चपाती के साथ आराम से छोटे छोटे टुकड़े करके खा ले। तो सब्ज़ी में मैंने तेल गरम किया, जीरा डाला, उसके बाद प्याज, उसके बाद सारे मसाले। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बेसिक सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके बाद ये सारे मसाले भुन गए, तो इसमें टमाटर के टुकड़े डाले और अब मैं डाल रही हूँ उसमें लौकी। लौकी को मैंने कट करके उसको अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि, और लौकी पानी छोड़ेगी थोड़ा सा, तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, बिल्कुल आधी कटोरी सा पानी डाला है मैंने ताकि थोड़ा टाइम लेती है लौकी गलने में और इतनी कच्ची नहीं होती है यहाँ पे जो लौकी मिलती है वो। तो ये लौकी मेरी 5 विसल्स में बन जाएगी, 5 विसल्स लूँगी मैं इसके लिए। और डिपेंड करता है, कई बार लौकी 6-7 विसल में भी गलती है। ये थोड़ी कच्ची सी अच्छी फ्रेश लग रही थी लौकी, तो अभी मैंने नमक भी डाल दिया है और अब मैं कुकर बंद कर दूँगी और उसके बाद ये 5 विसल्स के लिए। मीनवाइल अब पार्क जाना है, हस्बैंड चले गए हैं पार्क चाय पीने के बाद, तो वो शॉर्टकट रास्ते से पैदल ही पार्क चले गए हैं। अराउंड 1.5 माइल्स है, लेकिन हम लोग पैदल इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जो रास्ता है वहाँ पे स्ट्रॉलर जाएगा नहीं और पूरा वॉकवे जो है वहाँ पे अच्छे से वॉकवे नहीं बना हुआ है, बीच बीच में रोड भी है, तो सिया और मम्मी के साथ पॉसिबल नहीं होगा। तो हस्बैंड मेरे पैदल चले गए हैं और उनका गेम भी स्टार्ट हो गया था, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो गाड़ी की चाबी छोड़ के चले गए कि तुम लोग पीछे से आ जाना। तो अभी मैं सिया को सेट करके, और मम्मी को मैंने सिया के साथ पीछे ही बिठा दिया है क्योंकि सिया कई बारी कुछ कुछ कहती है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो बार बार पीछे मैं देखूँ, इससे बेटर है कि मम्मी उसके पास बैठ गई हैं और हम लोग अब जा रहे हैं। तो मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है और बर्तन धो के रख दिए हैं जो भी कुकिंग वुकिंग के थे, आटे का डो तैयार कर दिया है और सिया को मैं जो सब्ज़ी है लौकी की सब्ज़ी और रोटी खिलाऊंगी, तो सिया के लिए अलग से आज कुछ बनाना नहीं है। तो अभी बस पार्क जा रहे हैं, वहाँ अराउंड 1-1.5 घंटा बिता कर आएंगे, सिया खेलेगी, वॉक करेंगे हम लोग, तो ऐसा है कुछ। और जो पार्क है वहाँ पूरे समर में जाना होता ही रहता है क्योंकि हस्बैंड गेम खेलते हैं जैसे मैंने बताया, और ये समर का ऐसा रूटीन रहता है, अराउंड September 1st-2nd week तक, जब तक वेदर परमिट करता है, उनका गेम होता है। और ये अच्छी चीज़ भी है, पहले मैं बहुत वो करती थी कि यार इतना गेम क्यों खेलते हो ये वो, बट अब ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट ही इज़ वेरी एक्टिव। सो या अब हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, तो बस मैं गाड़ी पार्क करके और सिया को निकाल के लेके जाऊँगी और मम्मी और मैं पहले शुरू में हम लोग पहले थोड़ा वॉक करेंगे वहाँ पे और उसके बाद सिया को हम लोग झूला झुलाने के लिए वहाँ उसकी स्विंग्स और राइड्स वगैरह पे ले जाएंगे, क्योंकि अगर शुरू में ही मैंने सिया को वो उस पे राइड्स और झूले पे ले गई मैं, तो उसके बाद तो सिया बिल्कुल वॉक करने नहीं देती है। तो पहले उसको मैं समझा बुझा के कैसे भी उसको बोलती हूँ कि पहले वॉक करेंगे और फिर उसके बाद झूला झूलेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, मम्मी के लिए गेट खोल दिया है, मम्मी बाहर निकल गई हैं और सिया को लेके अब हम जा रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं मेरे हस्बैंड गेम। और उनकी टीम जो है काफ़ी लोग आते हैं, तो आज थोड़े से कम लोग दिखे मेरे को। और अब हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए, तो ये जो पार्क है काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत सारे लोग खेलने के लिए आते हैं, कुछ लोग पॉटलग्स कर रहे होते हैं या शेड्स भी बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपना पॉटलग या फिर गेट टुगेदर कर सकते हैं। और बच्चों के लिए भी फुटबॉल का भी एरिया है और स्केटिंग वाला एरिया भी है, तो काफ़ी बड़ा पार्क है और पूरा एक सर्कल इसका अप्रॉक्सीमेटली हाफ माइल से ज़्यादा ही हो जाता है, 0.5 माइल to 1 माइल के बीच में इसका पूरा एक सर्कल हो जाता है। तो हम लोग कई चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं, तो पहले अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं और ये यहाँ पे साइड में इसके जो स्विंग्स हैं वो सब हैं। तो अभी राइड करते करते और सिया से बातें कर रही हूँ मैं, सिया भी मुझे बोल रही है कि मेरे को अभी जाना है मम्मा,
तो बस हमारे चक्कर जो हमारे राउंड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मम्मी थक गई थी तो मम्मी थोड़ी देर अब बैठेंगी। हम लोग अभी यहीं पार्क में हैं और पीछे सिया, और मम्मी थक गई हैं तो वहाँ पर बैठेंगी और मैं सिया को झूले झुलाऊंगी वहाँ पे। और ये जो पार्क है, इस पार्क में मैं अभी से नहीं, मैं जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम से मैं इस पार्क में आती हूँ, तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ भी जुड़ी हुई हैं इस पार्क से। जब मैं इंडिया से शादी के बाद आई थी तब से मैं इस पार्क में आ रही हूँ। देन आई गॉट प्रेग्नेंट, तब भी मैं यहाँ वॉक करती थी, उसके बाद पोस्ट डिलीवरी में मैं यहाँ वॉक करती थी। तो मतलब सिया को मैं बहुत छोटी सी से लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर एक दो मेरी फ्रेंड्स पार्क में बनी थी जान पहचान की, तो उन्होंने सिया को बहुत छोटी सी थी तब से देखा है, तो वो भी कई बारी मिल जाती हैं। अच्छा लगता है लोगों से मिलते हैं बाहर, एटलीस्ट घर में बैठे रहेंगे तो ना तो किसी से मिलना हो पाता है और घर में बैठे बैठे एक डिप्रेशन सा होता है। तो कोशिश करती हूँ कि जब भी मौका मिले थोड़ा बाहर निकल जाऊँ, जैसे कि अभी हस्बैंड का गेम होता है तो हम लोग बाहर निकल आते हैं इस बहाने। और अब हम लोग वॉक करके झूले भी झूल लिए, थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है अब, क्योंकि अब एकदम शाम पूरा थोड़ी ख़त्म हो रही है शाम। तो सिया यहाँ पर आ गई है और बस मेरे हस्बैंड का गेम भी ख़त्म होने वाला है, 7:45 हो गए हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पर बस वेट कर रहे हैं, उनका लास्ट राउंड चल रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे अब घर। और बस अब हम घर आ गए हैं, तो अभी घर आ गई हूँ मैं। और लौकी की सब्ज़ी जो बना के रख के गई थी उसको मैं थोड़ा सा मैशर से मैश कर दूँगी। लौकी अच्छे से मैश हो जाती है तो हम लोगों को ऐसी ज़्यादा पसंद है, और सिया को भी खिलाने में आसानी रहेगी। और लोइयाँ बना के अब बस रोटी सेकना बाकी रह गया है। तो अभी रोटी, अभी हस्बैंड फ्री हैं तो कई बार वो मेरी हेल्प करवा देते हैं सिकवाने में, तो मैं बेलती जा रही हूँ, उन्होंने फटाफट सिकवा दी तो जल्दी हो गया। और सबसे पहला काम है सिया को खिलाना, तो सिया को मैंने लौकी की सब्ज़ी से छोटे छोटे टुकड़ों पे सब्ज़ी लगा लगा के, उसको पसंद है ऐसे, तो मैंने खिला दी उसको। और उसको खिलाने के बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो कई बारी सिया हम लोगों के साथ भी खाती है, लेकिन आज उसको थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और मैंने सोचा उसको पहले खिलाने की कोशिश कर लेती हूँ। अगर पहले खिलाने की कोशिश करी और वो नहीं खा रही है तो फिर कोशिश करते हैं कि हमारे साथ में खा ले, मतलब कैसे भी खा ले, फाइनली ये ऑब्जेक्टिव रहता है। तो बस सिया का खाना ऑलमोस्ट डन हो गया है, और डिनर में ये चपाती है, लौकी की सब्ज़ी है, और सैलेड में बीट रूट और मिर्च का अचार। तो ये है हमारा आज का डिनर। और सैलेड जो है काटने में मुझे बड़ा आलस आता है, तो ये काम मेरे हस्बैंड कर देते हैं। और खाने के बाद आज हम एक नई आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड इस वीकेंड पे आए थे तो वो ये वाली आइसक्रीम लेके आए, तो हमने ये ट्राई करी है। ये वाली आइसक्रीम है, देख लीजिए, और बहुत यम थी, तो रियली मज़ा आ गया। तो मम्मी कह रही थी कि आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है, एक डब्बा और लेके आना फिर से, तो हमने कहा हाँ ठीक है। और सिया को भी पसंद आई, सिया को थोड़ी सी खिलाई थी, ज़्यादा नहीं, उसको थोड़ी खांसी सी हो रही थी 2-3 दिन पहले से। तो ये आइसक्रीम ट्राई करी हमने और काफ़ी पसंद आई मेरे को ये आइसक्रीम। मैंने इससे पहले ये वाली आइसक्रीम ट्राई नहीं करी थी, इसका जो फ्लेवर था एक प्रॉपर पके हुए आम जैसा, जैसे इंडिया में आइसक्रीम्स मिलती हैं वैसा था। और इसो ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा रहा कुछ आज का इवनिंग, और समर में अगर वेदर अच्छा है तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे इवनिंग्स इस तरह से रहते हैं, थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ, कोशिश करती हूँ खाना वाना पहले से करके जाऊँ, ताकि आने के बाद इतना काम बाकी है ये ना रहे। और मेरी तरफ से सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी बिलेटेड मदर्स डे। सॉरी मैं पहले विश नहीं कर पाई, बट क्या कर सकती हूँ, घर पे गेस्ट थे, कोई व्लॉग बना नहीं पाई ताकि मैं आपको विशेज दे सकूँ, बट ये व्लॉग अब बनाया है। और कीप कनेक्टेड, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, बाय बाय।